ये है मेरा हेलमेट सर्स थंडर फर्स्ट जनरेशन एंड ये जिस पे वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी ये वही हेलमेट है। मैंने इसका सारा रैप निकाल दिया है ये देखो, अब जरा भी जगह नहीं है कहीं पे भी निकलने के लिए। कैमरे का डर है, कैमरे के ऊपर ना स्प्रे आ जाए लेंस। तो मतलब लीनिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा टायर है, बट अगर आप बोल रहे हो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन रेन ग्रिप नहीं है इसकी अच्छी निकालना बस। तो वाइज़र के ऊपर का रैप सिंपली ऐसे निकाल देंगे अभी हम। अंदर का वाइज़र बच गया है, पेंट नहीं लगा इस पर इसलिए लगा। सो फाइनली गाइस स्टिकर लगने वाला है एंड ये भी वो बिल्कुल प्रॉपर फिक्स सेंड। सो गाइस लेट्स ट्राई रियली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सचिन चंदर एंड यू आर वाचिंग ब्रूटल राइडर चैनल। एंड ये है मेरा हेलमेट सर्स थंडर फर्स्ट जनरेशन एंड ये जिस पे वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी ये वही हेलमेट है। मैंने इसका सारा रैप निकाल दिया है एंड आज इसको दोबारा से मॉडिफाई करवाना है मेरे को। हेलमेट है ये, काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सा हेलमेट है कौन सा हेलमेट है। वो जो पीछे लगाया वो था स्पॉयलर, वो मैंने खुद मॉडिफाई करके लगाया था स्पॉयलर घर पे ही। सो वो भी लगाएंगे, या तो ऑनलाइन मिल जाएगा तो ऑनलाइन मंगवा लूँगा मैं, और ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो मैं घर पे लगाऊंगा। सो फिलहाल के लिए लुक कुछ ऐसी है हेलमेट की, देख लो स्टर्स थंडर का है ये। एंड सैंडिंग सैंड पेपर से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रब करा हुआ है, मतलब प्रॉपरली, मतलब इस पर जो भी मॉडिफिकेशन होगी वो प्रॉपरली हो जाए, कहीं पे दिक्कत ना आए कोई। जहाँ पे स्क्रैचेस थे वहाँ पे मैंने थोड़ा सैंड पेपर से कर दिया। सो ऐसा कुछ एंड क्रैश हुआ था मेरा, तो ये निशान भी हैं क्रैश के, ये निशान क्रैश के हैं ये भी, और ये तो मैंने सैंड पेपर से करा हुआ है। सो ये है कुछ लुक एंड ये अपनी बाइक। तो अब चलते हैं जल्दी से हेलमेट मॉडिफाई करवाते हैं एंड हियर वी गो अगेन। सो गाइस ग्लव्स अपन ने पहन लिए हैं एंड हियर वी गो। भाई गाड़ी कहाँ फंसा दी है, गलत जगह फंसा दी गाड़ी अंकल जी ने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ओ भाई ये बस वाला क्या कर रहा था, इसने बाहर को ही निकाल दी, रिस्की था बसेस से और ट्रक से बच के। बाकी कार वगैरह से पास लेना थोड़ा इजी होता है, ये बसेस जो होती हैं ना एकदम से बाहर निकाल देती हैं पूरा, और जगह नहीं बचती रोड में। तो बसेस से बी केयरफुल पास लेते टाइम, बस से बिल्कुल मतलब बस के साथ तो भाई खेड़ो ही मत। ये देखो अब जरा भी जगह नहीं है कहीं पे भी निकलने के लिए, हमें ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, पहुंच ही गए हैं लगभग। मुझे जो करना था वो मैंने कर ही दिया। गजब डूबी बाज आदमी। तो बाइक अंदर लगाते हैं सीधा। सो इसको मॉडिफिकेशन करते हैं स्टार्ट जल्दी से जल्दी, टायर गंदा हो गया शिट। सो गाइस फर्स्टली जो है हमने इसका जो ये वाइज़र है वो रैप कर दिया पूरा, और ये ट्रैफिक की आवाज़ से क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो वाइज़र कर दिया इसका पूरा रैप, जिससे कि स्प्रे वाइज़र पे ना आए एंड देन अब इस पर ब्लैक स्प्रे होने वाला है। सो चेक आउट
मुझे कैमरे का डर है, कैमरे के ऊपर ना स्प्रे आ जाए तो लेंस खराब हो जाएगा। ऑल ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक। उसके बाद इस पर स्टिकरिंग होगी जैसे पहले थी और फिर आएगी असली ख़तरनाक लुक। सो गाइस फाइनली पूरा ब्लैक हो चुका है, अब हम अंदर चल के स्टिकरिंग वर्क करते हैं। एंड हियर वी गो, स्टिकरिंग वर्क स्टार्ट। तब तक इसको सूखने देते हैं और अंदर चल के स्टिकरिंग वर्क करते हैं। सो यहाँ पे मशीन है एक स्टिकरिंग जिससे निकाल सकते हैं कोई भी पर, मतलब कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी करवा लो, कोई कलर की टेप लगा लो, इससे हो जाता है वो सब। सो लैपी में पहले निकालेंगे, लैपटॉप में हम पूरा दिखाएंगे आपको कैसे क्या हो रहा है। सो पहले स्टिकर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना क्या पड़ेगा, मेरे दिमाग में है। सो पहले से माइंड सेट करके आओगे क्या करवाना है। सो गाइस जब तक हेलमेट का काम चला हुआ, आप लीन एंगल चेक करो, ये है एज, इस टायर की जो लिमिट है ये मतलब टच कर रही है लिमिट पूरी, देख लो लिमिट टच हो गई है इसकी पूरी, बोथ साइड लिमिट टच। तो मतलब लीनिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा टायर है, बट अगर आप बोल रहे हो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन रेन ग्रिप नहीं है इसकी अच्छी, रेन में ये स्किट करता है, बाकी जैसे मर्जी वेदर हो, मतलब बहुत अच्छा टायर है, लीनिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है टायर, बट रेन में इसको मतलब मुझे तो पसंद नहीं आया, रेन ग्रिप नहीं अच्छी। रेन ग्रिप के लिए अगर आपको चाहिए तो आप बोलो, आज तक कभी स्किट नहीं हुआ ये, कभी भी नहीं, रेन में ना मतलब पानी में मिट्टी में जहाँ मर्जी स्किट नहीं खाता ये, वो स्किट करता है। तो छोटी सी टिप थी, एक मिनट की टिप, कि अगर लीनिंग रेन में करनी है तो आप पोलो डलवाओ, ये रेन में कामयाब नहीं है, रेन अच्छा मतलब इसका रिश्ता नहीं है बारिश के साथ कुछ, और वो तो भाई जैसे मर्जी चलाओ उसको, अपोलो बेटर है, रेन ग्रिप उसकी अच्छी है, उसकी रेन ग्रिप अच्छी नहीं है। और हैव अ लुक, हेलमेट का मुझे लग रहा है दिख भी नहीं रहा होगा इतना ब्लैक लग रहा है ये। सो स्प्रे पेंट के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी जब ये पूरा रेडी हो जाता है मैं तब बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है। सो हैव अ लुक गाइज, हेलमेट पूरी प्रॉपरली सूख गया है, अब इसका ये जो वाइजर के ऊपर रैप है ये निकालना बस। तो वाइज़र के ऊपर का रैप सिंपली ऐसे निकाल देंगे, अभी हम अंदर का वाइज़र बच गया है, पेंट नहीं लगा इस पर इसलिए लगाया था ये, तो ऐसे निकाल देंगे ये पूरा। ओ भाई अच्छे से चिपक गया है, पूरा चिपका हुआ है। सो ये निकल गया प्रॉपरली, एंड हमारे हेलमेट का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, तो मतलब पूरा ग्लोसी शाइनी आ रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि स्प्रे बचेगी, है ज़रूरत, यहाँ पे रह गया थोड़ा सा गलत। सो यहाँ पे कर लेंगे दोबारा से, अब करते हैं स्टिकरिंग वर्क स्टार्ट, सूख गया है प्रॉपरली, अब यहाँ पे होगा स्टिकर, सब स्टिकर लगाते हैं जल्दी से, एक स्टिकर यहाँ पे होगा, एक स्टिकर यहाँ पे होगा, तो अभी दिखाते हैं आपको कौन सा स्टिकर लगेगा, कैसा लगेगा आपको देखने में मिल जाएगा अभी दो मिनट में बस। तो फाइनली गाइस स्टिकर लगने वाला है, एंड हियर वी गो, बिल्कुल प्रॉपर फिक्स सेंटर में लगेगा ये, तो लगा दो ठीक है, सेंटर देख लो बस लगा दो। सो अब स्टिकर लगने वाला है, देख लो ठीक है, लगा दो। सो स्टिकर लग गया है AGV का अपना। सो है तो स्टार्ट थंडर, लेकिन AGV का हेलमेट लगा के दूर से पता नहीं चलेगा किसी को, एंड लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये लग गया एक स्टिकर AGV का, और काफ़ी मतलब प्रीमियम लग रहा है अब हेलमेट, इस ब्रांड से ही प्रीमियम हो जा रहा है, सेफ्टी तो नहीं देगा उतनी, बट चलो दिल को तसल्ली कि है, किसी को नहीं पता है तो मतलब लुक के लिए लगाया जस्ट AGV। एंड अब लगेगा एक फ्रंट में AGV का यहाँ पे, तो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, अभी सूखा नहीं है प्रॉपरली। सो फाइनली गाइस मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, AGV हमने आगे लगा दिया है और पीछे भी एक छोटा सा लोगो है AGV का। सो हेलमेट का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, ओ माय गॉड ऐसा आ रहा है, मतलब क्लासी लग रहा है एंड प्रीमियम लग रहा है। सो ये है कुछ ग्लोसी शाइन, सो मैं आगे चल के दिखाता हूँ धूप में कैसा लग रहा है, अभी तो मतलब अंधेरा है, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। सो गाइस लेट्स ट्राई रियली, बस थोड़ा बीच में पेट्रोल छोड़ गया, ECU है ना, ECU नहीं आई मीन से इसमें है फ्यूल पंप है, इसमें FI
सो FI जब बाइक का टैंक मतलब हाइट में होती है तो FI जो होता है वो फ्यूल कट कर देता है, तो व्हील डाउन आ गई एकदम से। जो FI का वो नीचे मशीन होती है वो फ्यूल चेक करती रहती है, जैसे वो ऐसे हाइट पे जाके वो फ्यूल ऐसे हो जाता है ना, नॉर्मली बाइक सीधी रहेगी तो फ्यूल ऐसे रहेगा ऐसे, और जब बाइक हाइट पे होगी तो वो फ्यूल पंप ऐसे हो जाएगा तो फ्यूल कट हो जाता है, इस वजह से व्हील नीचे आ गई। ये तो काफ़ी लॉन्ग जाती है, मतलब फ्यूल कम है बाइक में इसलिए व्हील लॉन्ग नहीं गई, ये दिक्कत आई मुझे। सो अभी हेलमेट की लुक दिखा देता हूँ, ये न्यू ट्रिम हो गई है मम्मी ने, सो हेलमेट की लुक दिखा देता हूँ, हेलमेट कैसा लग रहा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये दिन मतलब सुबह सुबह है अभी, सो मैं जब वीडियो पोस्ट करने वाला था तो मैंने चेक करा कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी हुई थी वो करप्ट हो गई थी, सो अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो हेलमेट की लुक कुछ ऐसी आ रही है आफ्टर मॉडिफिकेशन, अब प्रॉपरली सूख गया, आप कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये AGV का स्टिकर एंड ये जो पेंट है वो मुझे पड़ा 150 रुपीज़ में, एंड लुक कुछ ऐसी आ रही है हेलमेट की, देखो कितना ग्लोसी आ रहा है, मतलब पूरा लुक ही चेंज है और शाइनी आ रहा है पूरा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिस्ट से वेयर हेलमेट, ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का और बाइक का ऑल्सो ध्यान रखो, एंड एक और सीन हैव अ लुक टायर में क्या फंसा हुआ है, ये मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है थोड़ी सी, ये निकालना पड़ेगा, ये बहुत बुरी तरह स्टक हो गया है, कपड़ा है, सो मैं आ रहा था कल राइड से तो ये बीच में फंस गया है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब लंबी कर नहीं रहा हूँ मैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।